हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एक नॉनवेज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। लेट्स सी मैं ये कैसे बनाती हूँ। उससे पहले मेरे वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्त एंड फैमिली के बीच में शेयर कीजिए, एंड जो मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड अपना कमेंट के जरिए में बताइएगा आपको ये कैसा लग रहा है। लेट्स सी मैं ये कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैं गैस में कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे एक बड़ा सर्विंग स्पून बराबर मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। उसमें मैं अभी चिकन फ्राई करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं 750 ग्राम चिकन का यूज़ की हूँ, जिसको मैं हल्दी में थोड़ा सा हल्दी डाल के उसको मैरिनेट करके रखी थी। यहाँ पे मैं उसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मैं उसे तेल में फ्राई करूँगी, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक मैं उसमें उसको फ्राई करती रहूँगी। देख सकते हैं इसका चिकन का कलर चेंज हो गया है। तब मैं इसमें 4 से 5 यहाँ पे टमाटर को बीच में बस स्लाइस करके उसको ऐड कर दूंगी चिकन में। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन में से। अच्छे से मिक्स करके उसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैं एक मसाला प्रिपेयर करूँगी। यहाँ पे एक बड़ा सा लहसुन को मैं छील के ले ली हूँ। एक छोटा चम्मच यहाँ पे साबुत धनिया ली हूँ। यहाँ पे मैं 3 लाल मिर्च का यूज़ की हूँ, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे मैं 2 मिनट बाद इसको निकाल के अच्छे से चला दूँगी, और टमाटर का जिसका छिलका निकल जा रहा होगा उसको मैं निकाल दूँगी। इससे जो ग्रेवी रहता है बहुत स्मूथ आता है। देख सकते हैं यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, और जो पेस्ट प्रिपेयर की थी वो भी अभी मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे साबुत धनिया के बदले धनिया पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। अभी मैं 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का जो पाउडर है उसको मैं ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा सेंट आता है इस चिकन में से। अच्छे से आप मिक्स कर दें इसको। ऐसे ही हम लोग को खुला छोड़ना है अभी, और ढकना नहीं है, और बीच बीच में इसको चलाते रहना है जिससे कि अच्छे से चिकन का जो पानी है अच्छे से निकल जाए। इसको मीडियम फ्लेम में रख के ही आप चलाइए। इससे क्या होता है चिकन का पानी अच्छे से निकलता है और ग्रेवी भी बहुत अच्छे से बन जाता है। चिकन भी इसके साथ ही बॉयल होगा, जो पानी निकलेगा उससे ही बॉयल होगा। इसको मीडियम फ्लेम में करके ही रखिए। देख सकते हैं चिकन का पानी सारा चला गया है और तेल अच्छे से ऊपर आ गया है, या अभी बन के रेडी होने लगा है। बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए, नहीं तो नीचे लग जा रहा होगा। मैं थोड़ा सा पानी में अभी इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 कटोरी पानी में ऐड की हूँ। ये ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहता इसमें, और थोड़ा सा ही ग्रेवी रखिए, और थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक के छोड़ूंगी अभी, ताकि ग्रेवी में अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ढक्कन निकाल के मैं यहाँ पे 3 से 4 मिर्च को बीच में से काट के रखी थी उसको ऐड कर दूंगी अभी। आप तीखा अपने टेस्ट के हिसाब से ही आप यूज़ कीजिए। यहाँ पे थोड़े से कटे हुए धनिया पत्ता रखी थी उसको भी मैं ऐड कर दूंगी अभी। इससे बहुत अच्छा सेंट आता है। आप एक बार चिकन को इस तरह बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपको ये कैसा लगा। यहाँ पे चिकन गल के रेडी हो गया है। आप इसे राइस, रोटी, पराठा किसी के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। आप ज़रूर ट्राई किया करें, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए।